नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव साहूर्णं सुपञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येऽस्मिन् पढ़मं गुरु के ज्ञानी का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञानी का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचू ना कुछ समझू मैं ना सोचू ना कुछ समझू गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर परमात्मा उनकी आप्त वाणी और चतुर्विध संघ को भावमय वंदन नमन। अनंत उपकारी निर्ग्रंथ गुरुदेव विराट गुरुदेव एवं इस सृष्टि के समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगों के लिए सतत आभार आभार आभार। जय हो। हम लोग यहाँ पर जेना की रिक्वेस्ट से और आप सब स्वाध्याय प्रेमियों की जिज्ञासाओं की वजह से श्रीमद् उत्तराधन सूत्र का संक्षिप्त सार जान रहे हैं। उत्तराधन सूत्र अपने आप में एक सूत्र नहीं है, यह अनेक सूत्रों का संग्रह है। इसीलिए इसमें 36 अध्याय है और 36 अध्यायों के जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन प्रत्येक अध्याय हमें अपने आप को जानने का, खुद को उपलब्ध हो जाने का, खुद में जीने का, मुक्त होने का कोई ना कोई सूत्र विधि विधान अवश्य देता है। चाहे वो कथानक से माध्यम से हो, चाहे किसी घटना के जिक्र के माध्यम से हो, और चाहे किसी दृष्टांत के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से। आज हम उत्तराधन सूत्र के इस सेशन 8 में हैं, 17-8 में। अब तक हमने 23 अध्यायों का सारांश सुना।
आज 24वां अध्याय जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है पवयन माया, प्रवचन माता। इस अध्याय के अंदर बताया है कि उन जिन्होंने खुद को जान लिया, उन तीर्थंकरों ने जो कुछ भी कहा है, जो भी मार्ग दिखाया है, जो भी द्वादशांग रूप आगम वाणी है, इस 12 अंगों रूप आगम वाणी का अगर हमें संक्षिप्त सार समझना हो तो वह है पवयन माया। ये प्रवचन माता जो है वो सारे ही जिन आख्यान का सारांश है। प्रवचन माता क्या है, क्यों उसे प्रवचन माता कहा गया? कि जैसे जिससे प्रवचन का प्रारंभ हो उसे प्रवचन माता कहा जाता है। जिन्होंने जाना, उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक जीवन है तब तक किसी न किसी तरह की प्रवृत्ति तो जरूर रहेगी, और अगर प्रवृत्ति है तो प्रत्येक प्रवृत्ति में समिति मौजूद हो। समिति का अर्थ है प्रत्येक प्रवृत्ति में सम्यक वृत्ति हो, समिति हो, सजगता हो, सम्यक अवस्था हो। प्रवृत्तियां कितनी तरह की हो सकती है? हम अपने जीवन की सारी ही प्रवृत्तियों को अगर हम संक्षिप्त में विभाजित करना चाहें तो वो 5 तरह की हो सकती है। हर कंडक्ट, हर एक्शन, हर एक्टिविटी को अगर हम समराइज करना चाहें तो वो 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड की जा सकती है। पहला है इरिया समिति। इरिया का मतलब है चलना, वॉक ऑन द लाइफ। जीवन में जितनी भी चलना की गति है, चलना है, चाहे वो श्वास का ही चलना क्यों ना हो, चाहे वो कदमों का चलना क्यों ना हो, चाहे वो विचारों का चलना क्यों ना हो, हर एक चलना, हर एक गति, क्योंकि गति ही जीवन है। बिना जीवन गति शून्य जीवन है ही नहीं, तो जीवन ही अपने आप में गति है। उस गति में इरिया समिति हो, यानी चलने का विवेक हो, तो पहली समिति इरिया समिति। दूसरी है जब हम चल रहे हैं तो हम अकेले तो नहीं चल रहे, इस पथ पर कितने सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं, कितने सारे प्राणी हमारे साथ चल रहे हैं। और जब हम लोगों के साथ हैं तो कहीं ना कहीं संवाद भी है, बातचीत भी है। बातचीत के लिए भाषा है, तो भाषा में सजगता हो, इट्स कॉल्ड भाषा समिति। अब हमारा जीवन जो है वो बिना साधनों के तो नहीं है, हर पल कई तरह के साधन हम सबको इस जीवन के लिए चाहिए होते हैं, जैसे भोजन, जैसे वस्त्र, जैसे उपकरण, जैसे मकान, बिजनेस करने के लिए दुकान, कितने सारे साधन है। ये सारे साधनों को हमें कैसे लेना, इट्स कॉल्ड एशना समिति। खोजना, जीवन की खोज हो, हर एक चीज बिना जानकारी के ना हो जाए, उसके लिए नाम है एशना समिति। एशना यानी खोजना, सर्च करना, किसी भी वस्तु को पाने का जो मार्ग है वह है एशना समिति। और जब हम किसी वस्तु को पा रहे हैं तो उनको रख भी रहे हैं, ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, क्योंकि जीवन दोनों के साथ गति करता है, यहाँ आदान भी और प्रदान भी है। तो उस लेने देने के बीच में हमारी स्थिति कैसी हो, उसका नाम है
आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति। आदान और निक्षेपणा यानी लेना और रखना, उन दोनों में सजगता कैसे हो, उसका नाम है आदान निक्षेपणा समिति। विस्तार में कहे तो आदान भंड मात्र, भंड मात्र यानी कोई भी उपकरण क्यों ना हो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। और जब हमने इस जीवन में सामग्रियों को ग्रहण किया है तो बिना विसर्जन के कोई भी ग्रहण संभव नहीं है, और हर ग्रहण के पश्चात विसर्जन भी आता ही है, लेने के बाद छोड़ना भी आता ही है। जो छोड़ना है तो वह कैसा हो, उसका नाम है परिस्थापनिका समिति। ये पांचवी समिति है। परिस्थापनिका शॉर्ट में बोला, इसका बड़ा नाम वहां है उच्चार पस्वर्ण खेर जल सिंगान परिस्थापनिका समिति। यानी अपने शरीर का कोई भी अनावश्यक पदार्थ है जो कि अब शरीर से निकलेगा, जैसे हमने भोजन खाया है तो हम वापस निहार करने जाएंगे, पानी पिया है तो मूत्र विसर्जन करने जाएंगे, हमने सामान इकट्ठे किए तो एक दिन ये सामान सब किसी न किसी ऐसी अवस्था में आ जाएंगे, हमारे सामानों को छोड़ना ही होगा अथवा इनका उपयोग समाप्त हो जाएगा। तो हमें इस सामानों को वापस कैसे रखना है, तो उसका नाम दिया है परिस्थापनिका। देखना इतनी प्यारी बात है कि छोड़ने को भी छोड़ना नहीं कहा, परिस्थापित करना कहा, यानी उनको भी हमें कितनी व्यवस्थित तरीके से प्रतिष्ठित करना है। इस तरह से जीवन की सारी ही प्रवृत्तियों में ये पांच बातें आ गई। और प्रवृत्ति जीवन है तो साथ साथ निवृत्ति भी तो जीवन है, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति बिना निवृत्ति के संभव नहीं है। और जो कोई भी व्यक्ति जागरूक होकर जिंदगी जिएगा, उसे सदा ही बच के चलना होगा, क्योंकि जो जग के चल रहा है वो बच के भी चल रहा है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप ड्राइविंग करने के साथ साथ यानी गाड़ी चलाने के साथ साथ अपने पथ पर चलने के साथ साथ और कितने सारे पथों से बच भी तो रहे हो, और कितने सारे ट्रैफिक में से बच के गुजर रहे हो। और ये पूरी जिंदगी में एक तरह से देखो तो हर एक स्टेप पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, कोई भी स्थिति में एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट से बचना कैसे, तो उसके लिए बताया गुप्ति, निवृत्ति के लिए गुप्ति और प्रवृत्ति के लिए समिति। और जीवन दोनों का जोड़ है, प्रवृत्ति का भी और निवृत्ति का भी। अब इसका विस्तार इस अध्ययन के अंदर बताया है कि अगर चलना ही है तो चार ही बातों से चलना, चार बातों का सदा ध्यान रखना चलते समय, आलंबन काल मार्ग और यत्न। इन चार बातों के विवेक के साथ चलना। आलंबन यानी हमारी जो जीवन की गति है बिना सहारे के नहीं हो सकती, बिना सहयोग के नहीं हो सकती, सतत हमें एक दूसरे का कॉपरेशन चाहिए होता है। परस्परोपग्रह जीवाना, जीवन ही ऐसा है कि हम परस्पर एक दूसरे के साथ संयुक्त है, एक दूसरे से उपग्रहित है, हम लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए सह अस्तित्व में हमें किसका आलंबन लेना, किसका सहारा लेना। तो बताया नाड़म च दंशनम चेव चरित्तम च तवोतः, ज्ञान दर्शन और चरित्र का आलंबन लेना। ज्ञान का आलंबन, दर्शन का आलंबन और चरित्र का आलंबन, ये तीनों स्थितियां बाहरी नहीं है, आंतरिक है। हमारा चलना ज्ञान पूर्वक हो, अनुभव पूर्वक हो, हमारी हर एक गति जागरूकता के साथ संपन्न हो। इसके लिए कहा आलंबन किसका, तो बोला ज्ञान दर्शन चारित्र का। हम किसका आलंबन ले रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र का आलंबन भी ले रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी आलंबन ज्ञान दर्शन चारित्र का ना हो करके हमारा अक्सरतः आलंबन जो होता है वो पैसे का, इंसानों का, सामानों का, और हम इस पे विश्वास करते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र पे नहीं करते। हमारा चुनाव होता है पैसे का। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है
कि धन है तो जीवन है, धन है तो शक्ति है, मनी इज पावर। अब बिना मनी के क्या करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बुढ़ापा भी तब अच्छे से कटेगा जब पैसे हो। कहते हैं शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पैसे होने चाहिए, पैसे हो गए तो बहुत सारी शादियां हो जाएगी, रिश्तेदार सब पैसे के, पैसे है तो सारे रिश्तेदार, पैसे नहीं तो कौन से रिश्तेदार, सब पैसे से नजदीक आते हैं, पैसे चले गए तो आपको सब छोड़ के चले जाते हैं। उन लोगों ने किसका आलम बन लिया? पैसे का। और जिसने पैसे का आलम बन लिया उसने किसका आलम बन लिया? ज्ञान दर्शन चैत्र का, चेतना का लिया या जड़ का लिया, जीवन का लिया या मृत्यु का लिया? वो तो मृत पदार्थ है, सब तो मृत पदार्थ है। और जिसने मृत पदार्थों का आलम बन ले लिया है वो अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है? और देखो जो लोग दिन रात पैसे का आलंबन ले रहे हैं, धीरे धीरे उनके जीवन से जीवंतता गायब हो जाएगी, चैतन्यता नहीं रहेगी, वो पैसे की तरह जड़ होते जा रहे हैं, हृदय भी कठोर होते जा रहे हैं और उनकी चेतना एकदम न्यूनतम होती जाती है, उनके भीतर की जीवंतता समाप्त होती जाती है, क्योंकि वे मृत पदार्थों का आलम्बन ले रहे हैं, इसलिए मुर्दानगी उनके पूरे जीवन में छाई रहती है और वो मुर्दानगी में ही जिंदगी जीते हैं, वो जी का रहे हैं। कबीर दास जी तो ऐसे लोगों को देख के बोलते रहे हमेशा कि मुर्दा सब संसार, मुर्दा ही खावे पीवे और सोवे, मुर्दा ही ब्याह रचावे, मुर्दा सब संसार। ये लोग जी का रहे, सब मर रहे, सब मुर्दा है। क्यों मुर्दा है? क्योंकि इनके दिल दिमाग में हमेशा मुर्दानगी छाई है, मुर्दा पे ही उनका आकर्षण है। शरीर भी मुर्दा है, मकान भी मुर्दा है, धन भी मुर्दा है, और जितने भी ये पदार्थ है उन सारे पदार्थों में ही जो आलम्बन लेकर के जी रहा है, पदार्थों में ही आसक्त होकर जो जी रहा है, जो चल रहा है, वो मुर्दा ही तो हुआ, जीवन का हुआ। इसीलिए चलने का आलम्बन क्या हो तो बोला ज्ञान दर्शन चरित्र हो, वस्तु विषय और ये पदार्थ, ये आलम्बन योग्य नहीं है, इन पे हमारा भरोसा। लेकिन क्या करें, मोस्ट ऑफ 99% कह रहे हैं, उससे भी ज्यादा कह रहे तो भी चलेगा, सब लोग सामानों पे ही भरोसा करके जी रहे हैं, सामग्रियों पे ही भरोसा करके जी रहे हैं, और इसीलिए मृत पदार्थ के साथ खुद भी मृत होते जा रहे हैं। पहला पॉइंट, हम विस्तार से करें तो बहुत लंबा होगा, और पांच समिति तीन गुप्ती पर एक बार पहले भी लगभग 40 या 45 प्रवचन शायद चरम मंगल यूट्यूब पे पड़े होंगे, जिनको विस्तार से जाना हो जरूर उनके साथ जाए। फिर कहा काल, चलना हो तो काल का ज्ञान करना, कौन से ज्ञान, काल में चलना। अब इस पॉइंट को मैं केवल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आए दिन साधु साधुओं के एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं, पद यात्रा करते हुए विहार करते हुए उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक बार जब हम बॉम्बे में प्रवेश कर रहे थे तो मार्ग में बहुत सारे साधुओं का टोला मिला, उन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या बताएंगे ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। उनके पूछने का इंटेंशन ऐसा था कि शायद एक्सीडेंट्स किसी के द्वारा इंटेंशनली करवाए जा रहे हैं, शायद कोई बुरी नजर डाले हुए है। मैं बड़ी हैरान हुई, साधु बन के भी कोई ऐसा सोच रहा है कि किसी और के कारण से कुछ हो रहा है। साधु होने का मतलब ही होता है कि पहला स्टेप वो ये जान ले कि किसी और के कारण से कुछ नहीं होता, जो भी मेरे साथ होता है वो मेरे अपने ही कारणों से होता है। और मैंने उन साधु जी से विनम्रता से पूछा कि क्या बताएंगे कि आप लोग दिन में चलते हैं या दिन उगने से पहले चल जाते हैं? तो बोले हम सूर्योदय से पहले चल जाते हैं। मैंने कहा जब आप भी जानते हो कि सूर्योदय से पहले नहीं चलना, सूत्र स्पष्ट कह रहा है काले या दिवस से होता दिन में चलना, और दिन में चलने का मतलब प्रकाश में चलना, जो प्रकाश में चलना है तो आप अंधेरे में क्यों चलते हो? अब यहाँ एक अर्थ, भौतिक अर्थों में देखो तो जब सूर्योदय हो जाए तब चलना ताकि एक्सीडेंट होंगे नहीं, अंधेरे में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। मोस्टली साधु साध्वी जो 3 बजे 4 बजे 4:30 5 बजे विहार कर जाते हैं, और वही एक टाइम होती है जब गाड़ी चलाने वालों को भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आंख बंद हो रही होती है, क्योंकि उस टाइम में पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, नींद में जा रहा है, पूरी प्रकृति अद्भुत अलग तरीके से काम कर रही है। और अब जो पद यात्रा कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान ध्यान नहीं गया, अब हो गया एक्सीडेंट। अब पद यात्रा करने वालों ने भी कहा ध्यान रखा कि कब चलना, ये तो एक बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम हर चर्या प्रकाश में करें, इसलिए कहा दिवसे गुप्ता। आलंबन काल मार्ग कैसा हो तो कहा उत्पथ छोड़ के चलना, जो भी उत्पथ है यानी जहां पथ बना हुआ ही नहीं है वहां पर हम चल रहे तो वो उत्पथ है।
अब वो कंकरीला होगा, संकरीला होगा, झाड़ियों से घिरा होगा, अस्त व्यस्त होगा, जहां पथ बना ही नहीं है। ये तो बाहर की बात, भीतर भी देखो तो जहां भी उत्पत्त है उसको छोड़ के चलना। और हम जीवन की गति में भी क्या कर रहे हैं, हम प्राकृतिक जिंदगी ना जी करके विकृत जिंदगी जी रहे, तो उत्पत्त पे ही तो चल रहे हैं। क्या है प्राकृतिक जिंदगी, वो अपने विवेक से हमें खोजनी होगी कि हमारे शरीर का धर्म क्या है, इस जीवन की प्राकृतिक गति क्या है, हम कहीं उसके उत्पत्त पे तो नहीं जा रहे हैं। और जहां भी उत्पत्त पे जाएंगे क्यों जाते हैं, लोभ के वश जाते हैं। अरे शॉर्टकट है, शॉर्टकट में मजा आएगा। और शॉर्टकट के चक्कर में कितने लोगों ने अपनी संपत्ति खोई, अपनी चैन शांति खोई, और शॉर्टकट के चक्कर में यानी लोभ लालच के चक्कर में आकर के उत्पत्त का प्रयोग करके कितना कितना नुकसान हम सतत उठाते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सजग कोई का कभार होता है, तो कहा उत्पत्त को छोड़ के चलना और यतना से चलना। यतना का मतलब है हर पल होश पे चलना, होश से चलना। यतना दोनों तरह की है। कैसे, हम जब मार्ग में चलते हैं तो रोड्स पे जगह जगह पे लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर हटी मतलब यतना गई, और जैसे यतना गई वैसी दुर्घटना हुई। अब इसको सेकंड डायमेंशन से भी समझे कि नजर टिकी तो भी दुर्घटना घटी, हटी तो दुर्घटना घटी, यहां तक तो सबने सुना होगा। नजर टिकी तो भी दुर्घटना घटी, वो कैसे कि नजर टिक गई यानी अब एक जगह पर अटक गए, आगे नहीं देख रहे हो, फिर भी दुर्घटना घटी। और लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं, या तो नजर हट जाती है या नजर टिक जाती है, और दोनों में ही हम सतत प्रवाहित नहीं रहते। और जैसे हम सतत प्रवाहित नहीं रहते दुर्घटनाएं होने लग जाती है। इरिया समिति, फिर का भाषा, भाषा कैसी हो, तो जो भी आवेश में बोली जा रही है वह भाषा समिति में नहीं है। समिति का मतलब है बिना आवेश के कोई कार्य, सम्यक रूप से कोई कार्य हो, सम्यक प्रवृत्ति, उत्कृष्ट वृत्ति। उत्कृष्ट प्रवृत्ति तभी होती है जब प्रवृत्ति करने वाला किसी भी तरह के प्रभाव में, आवेश में, प्रतिक्रिया में नहीं प्रवृत्ति कर रहा हो। इसलिए कहा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, विकथा। और ये विकथा शब्द सुनने योग्य है, विकथा का मतलब होता है फालतू की बातें जिससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हम उन बातों के अंदर अगर रस ले रहे हैं तो भाषा समिति नहीं है, वो बातें बोल रहे हैं तो भाषा समिति नहीं। और ऐसे ही तो हो रहा है, हम जितना भी बोल रहे हैं हमारे सारी दिन भर की बातों में 90% हिस्सा तो ऐसा ही होता है, 90 से भी ज्यादा कह दो तो भी चलेगा, जो कि बिल्कुल व्यर्थ होता है, जिसको बिना बोले भी काम चल सकता है। लेकिन हम भी कथा करते रहते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति बैठे हुए सरकार की बातें करेगा, अरे सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अरे आपके बोलने से क्या होगा, लेकिन बस बोले जा रहे हैं। अथवा कोई भी पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में किसका क्या प्रसिद्ध है उसकी चर्चा कर रहा है, अथवा किसी की टीका टिप्पणी कर रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अरे किसी ने क्या भी किया हो, किसी ने क्या भी नहीं किया हो, हमें उसे क्या प्रयोजन। लेकिन बस इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इसी बातों में हमारा पूरा रस है। ये भी कथा है, ये भाषा समिति नहीं रही। इरिया समिति कब आएगी, भाषा समिति कब आएगी, ऐषणा समिति कब आएगी, इसको भी हम सोचे। ये पांच ही समितियां क्यों दी गई, अरे महावीर ने दी, क्यों दी, क्योंकि महावीर ने पंच महाव्रत दिए, और पंच महाव्रत में पांचों ही महाव्रत जिसके जीवन में आते हैं उसके जीवन में ये पांचों समितियां अनुषंगिक रूप से आती है, छाया की तरह आती है। अगर जीवन में अहिंसा घटित हुई है तो इरिया समिति होगी, सत्य घटित हुआ है तो भाषा समिति होगी, अचौर्य घटित हुआ है तो ऐषणा समिति होगी, ब्रह्मचर्य घटित हुआ है तो आदान निक्षेपण समिति होगी, अपरिग्रह घटित हुआ है तो परिष्ठापनिका समिति प्रकट होगी। पंच महाव्रत अगर जीवन में भीतर घटित हुए हैं तो पांच समितियां उसके जीवन से प्रकट होगी, ये बाय प्रोडक्ट है। पांचों समितियां भीतर से बाहर जीवन गति कर रहा है, भीतर में अगर पंच महाव्रत का अवस्था आई है तो पांच समितियां उसके जीवन से प्रकट होने वाली।
ईशना समिति की बात करें हम, तीसरी समिति है, बड़ी अद्भुत है। ये कह रही है कि कुछ भी चीज आपने ग्रहण करनी है उसके पहले, ग्रहण करते समय और जब उस ग्रहण की गई चीज का उपयोग कर रहे हो उस समय, तीनों समय में ईशना रखना, तीनों समय में जागरूकता रखना। बहुत लोग इस दुनिया में केवल इसलिए फंस गए क्योंकि उनको पता ही नहीं लगा चोरी का माल खरीद लिया, उनको पता ही नहीं लगा कौन सी लैंड उन्होंने इन्वेस्ट कर, कौन सी लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, उसका उत्पादन नहीं देखा कि उत्पन्न कहां से हुई, उसका उद्गम नहीं देखा कि उसका सोर्स क्या है। बिना सोर्स को जाने उस दिशा में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिना सोर्स को जाने उस चीज को परचेज कर लिया तो फंसेंगे, और ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हमारे सामने। लेकिन इसके प्रति हमें सजगता क्यों नहीं, क्योंकि हमने ईशना समिति के बारे में कभी जाना ही नहीं कि ईशना क्या कह रही है। हमें ईशना करनी सीखनी होगी, कोई भी चीज इवन देन हमारे भीतर विचार भी आया तो हम ईशना करें, विचार आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये प्रश्न पैदा हुआ तो प्रश्न पैदा कहां से हुआ। कितने लोग अपने जीवन में मुक्त हो पाए केवल इस प्रश्न के साथ में कि अरे ये मर गया तो मरा क्यों, अरे ये पैदा हुआ तो पैदा हुआ कहां से, मृत्यु आई कहां से, बीमारी शरीर में आई तो आई कहां से, उसके उद्गम पे तो जाए। लेकिन एलोपैथी उद्गम पे नहीं जा करके केवल ऊपरी ऊपरी इलाज कर रही है तो क्या हो रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, हर दिन नए नए नामों से बीमारियां आती जा रही है, हर दिन नई नई मेडिसिन बनती जा रही है, नए नए नामों से बीमारी आ रही है, क्योंकि उद्गम पे नहीं जाया जा रहा। क्या था आयुर्वेद का विज्ञान, उद्गम पे जाओ, बीमारी का उत्पादन कहाँ से हुआ, प्रकट कहाँ से हुई, सोर्स कहाँ है। जीवन के हर एक पॉइंट पे अगर हम सोर्स की तरफ ध्यान देने लग जाए कि ये आया कहाँ से, इवन देन मैं खुद आया कहाँ से, मेरा उद्गम क्या है, इसको खोजना ईशना समिति है। ये हर तल पे काम करेगी, सामग्रियों के तल पे भी, जैसे सूत्र में लिखा आहार उपदेश शैया, इन तीनों के तल पे ईशना करना। लेकिन आहार उपदेश शैया से भी महत्वपूर्ण बात है हर एक पॉइंट पे ईशना करना, मैं खुद कहां से आया, ये अंग उपंग कैसे बने। जो ईशना में चला जाएगा वो अचोरी अवस्था में चला जाएगा, और जो अचोरी अवस्था में आ जाएगा ईशना उसके भीतर से प्रकट होने लगेगी, क्योंकि वहां चोरी नहीं है, अदत्त नहीं है। अदत्त नहीं है तो क्या होगा, बिना दिए हुए लेने का मतलब क्या हुआ कि जागरूकता से ही लेना होगा, आदतन लेना नहीं होगा। फिर चौथी समिति बताई आदान निक्षेपण, लेने और रखने में विवेक, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु हो, सुई जितनी वस्तु के तिनका जितना, इवन दैट हमने बाल बनाते समय जो बाल निकले हैं उन बालों को भी हमने कैसे रखा, कैसे छोड़ा, छोटी से छोटी वस्तु को लेने और रखने में विवेक। अब ये विवेक किसके भीतर से आया, तो कहा जो ब्रह्मचारी है उसके भीतर से हर एक वृत्ति के अंदर ये सजगता आएगी। लेकिन यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ समझना, ब्रह्मचर्य का फिर हम अर्थ केवल स्थूल अर्थ में ले जाते हैं, व्यभिचार न करना, नहीं नहीं ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म से चर्या, आत्मा से चर्या, आत्मा में चर्या। अब वो व्यक्ति जो स्वभावस्थ है, जिसकी प्राण ऊर्जा अपने ही भीतर गति कर रही है, बाहर किसी आकर्षण विकर्षण में नहीं है, किसी द्वंद में नहीं है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होते ही मैथुन हो गया, तो विचारों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वाद विवाद हुआ, सब मैथुन हो गया। मैथुन का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट होना, मथना, संघर्ष होना, द्वंद होना। जो इस संघर्ष से, इस द्वंद से, इस कॉन्फ्लिक्ट अवस्था से मुक्त हो गया और अपने भीतर में स्थित हुआ वो ब्रह्मचर्य। ऐसे ब्रह्मचर्य की ऑटोमेटिकली अवस्था कैसी होगी कि वो प्रत्येक अवस्था के अंदर समितिवान होगा, हर वस्तु को लेने में और रखने में, न केवल वस्तु को, फिर वो प्रत्येक चीज को, खुद की अवस्था को भी, तो उसको किस अवस्था में जाना और किस अवस्था से बाहर निकलना, दोनों में वो सजग रहेगा। फिर पांचवी है परिस्थापनिका, जो भी हमने लिया है वो छूटेगा, सांस लिए तो सांस छोड़नी पड़ेगी, बिना छोड़े नई सांस नहीं ले सकते, बिना पहले का खाया हुआ पेट साफ हुए बिना हम नया खाना नहीं खा सकते। परिस्थापनिका अनिवार्य है, आवश्यक है,
महत्वपूर्ण है, जैसे लेना वैसे ही छोड़ना भी। और हर चीज को छोड़ना ही होता है, नहीं छोड़ेंगे तो ही वो छूटेगी। पर कई लोग बोलते हैं मरते समय छूटेंगे, अरे मरते समय छूटेगी वो तो छोड़ना नहीं हुआ ना। कैसे छोड़ना, तो उसका विवेक बताया कि छोड़ते समय भी आवाज ना हो, छोड़ते समय दूसरों की दृष्टि में ना आए। और होता है क्या हमारे यहाँ, हम जब छोड़ते हैं तो बड़ा बैंड बाजा शोरगुल मचा रहा है, अरे हम संसार छोड़ के साधु बन रहे हैं, पूरा बैंड बाजा शोरगुल के साथ। छोड़ना कहाँ हुआ, छोड़ने में आवाज आ गई और छोड़ने में प्रदर्शन हो गया, तो छोड़ना ही नहीं हुआ, वो तो छूटा ही नहीं, वो तो किसी और सीने से पकड़ लिया, और ऐसे ही हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये पांचों समितियां। और फिर इसके बाद बताए तीन रुकते, इन पांच समितियों तीन रुकते को जीवन के अनेक अनेक स्तरों पर, अनेक अनेक तलों पर समझा जा सकता है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इन तीनों को बताते हुए एक बात जो कॉमन आई वो क्या है कि जो साधक है वो संभ्रम, समारंभ और आरंभ, इन तीनों से अपने आप को निवृत्त कर ले। क्या है संभ्रम, समारंभ, आरंभ? मन, वचन और काया से भीतर विचार उठा, आरंभ हो गया, स्टार्ट हो। विचार से भी सूक्ष्म बात है कि भीतर केवल एक अध्यवसाय उठा, ऐसा हो, बस उठना मात्र ही आरंभ हो गया। अभी उठा है तो चल पड़ा, और जो चला है वो पहुंचेगा, पहुंच ही गया, चल माने चलिए। अब आरंभ हो गया तो क्या होगा, अब वो ब्रह्मांड में फैलते ही वैसे ही फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये समारंभ हो गया, वो बहुत घनीभूत होता जाएगा। और तब क्या होगा, वह जो स्थिति भीतर से पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर के अटैक करेगी, कहीं ना कहीं जाकर के वातावरण में अपनी तरंगे पैदा करेगी। वो संभ्रम हो गया। इस तरह से जो आरंभ हुआ है वो समारंभ और संभ्रम भी होता है, और हम लगातार आरंभ, समारंभ और संभ्रम में ही दोलायमान होते रहते हैं। साधक क्या करे, साधक तीनों से निवृत्त हो जाए, गुप्त हो जाए, उसके भीतर से ना आरंभ हो, ना समारंभ हो, ना संभ्रम हो, ना मन से, ना वचन से, ना काया से। तब क्या होगा कि वो है भी और नहीं भी है, इस स्थिति में आ जाएगा। वो बोल भी रहा है और नहीं भी बोल रहा है, वो खा भी रहा है और नहीं भी खा रहा है। इसके लिए सूत्र कृतांक सूत्र में आता है भास मानो ना भासे जा, बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो गुप्त हो चुका है। अब वो गुप्त हो चुका है, गुप्त हो गया यानी छुप गया है। क्यों छुप गया, क्योंकि प्रकट करने की जो स्थितियां थी उससे उसने अपने आप को हटा लिया। अच्छा क्यों हटा पाया, क्योंकि उसके भीतर समिति प्रकट हुई तो गुप्ती की अवस्था भी प्रकट हुई। अब ये वैसा वर्षा है, गुप्ति आई तो समिति भी आएगी, और समिति आई तो गुप्ति भी आएगी। समिति के परिणाम से गुप्ति आएगी, और गुप्ति के परिणाम से भी समिति आएगी, दोनों साथ साथ चलेंगे। कई तलों पर इनकी व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन हम जहां पर हैं वहां से अपनी बात करें कि कम से कम हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखें। हम क्यों अशुभ विचारों में, हम क्यों ऐसे स्थानों से, ऐसे स्थानों में अपना ओपिनियन देते हैं? मन से भी दिया तो ओपिनियन हो गया, वचन से भी दिया तो हो गया, इसको कह सकते हैं जजमेंटल बने। ओपिनियन जैसे ही पैदा हुई गुप्ति खत्म। जैसे ही प्रवृत्तियां निरंकुश हुई वैसे ही गुप्ति खत्म। और जिसने ये जान लिया कि कैसे खुद में रहना, अब उसके भीतर से गुप्ति भी होगी और समिति भी होगी, स्वयं में होगी। और जब समिति और गुप्ति आएगी तो जीवन पूरा ही पूरा एक यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ कैसा, बाहरी यज्ञ नहीं, जहां हम लकड़ियां जला रहे हैं, जहां घी की आहुति डाल रहे हैं,
जहां औषधियां डाल रहे हैं। नहीं, ये यज्ञ बिल्कुल आंतरिक यज्ञ है। अब यहाँ हमारे पुराने सारे वासनाएं, चित्त के सारे विकार, अतीत के सारे संचित कर्म, संस्कार, वो सब जलने शुरू होंगे। इसीलिए 25वें अध्याय का नाम है जन्न इज्जम। जन्न इज्जम का मतलब है यज्ञीय, यज्ञ की अवस्था। अब इसमें एक कहानी के माध्यम से यज्ञ की बात कही जा रही है, ब्राह्मण की बात कही जा रही है। और ये भगवान महावीर ने जब वे बात कर रहे थे, उनको सुनने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण आए, और बहुत सारे ब्राह्मणों ने उनका विरोध भी किया। इंद्रपति, गौतम, अग्निपति, वायुपति के बारे में प्रख्यात है कि ब्राह्मण थे जो धड़धड़ बने भगवान के। और भगवान इन ब्राह्मणों को सही ब्राह्मणत्व बता रहे हैं कि सच्चा ब्राह्मणत्व कहते किसको है। तो क्या कथानक इस 25वें अध्याय में, दो भाई है, एक का नाम जय घोष, एक का नाम विजय घोष। अभी टीनेजर है जय घोष, और एक दिन तालाब के किनारे बैठा हुआ एक सीन देखता है कि कैसे मेंढक एक प्राणी को खा रहा है, उस मेंढक को सांप खा रहा है, और सांप के मुंह में वो मेंढक जा रहा है, और सांप किसी बाज के मुंह में जा रहा है। बस वो पूरा चेन देखता है कि कैसे हर एक प्राणी दूसरे प्राणी का भक्षण करता जा रहा है, और उसके भीतर कुछ घटा, जैसे उसके भीतर की स्थिति बदल गई, उसको वैराग्य हुआ, उसको मौत साक्षात दिखलाई पड़ने लगी, हर एक चेन दिखलाई पड़ने लगी कि कैसे एक प्राणी दूसरे प्राणी का भक्षण कर रहा है। इसको हम आज के दृश्य में देखें तो कैसे हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है। हम लोग बोलते हैं, अरे ये सरकार प्रजा का शोषण कर रही है। अब प्रजा क्या कर रही है? वो प्राप्त साधनों का शोषण कर रही है, उसके पास जो सुविधाएं मिली वो उसको दुरुपयोग कर रही। और एक जगह पर ये चेन है, हर कोई रिश्वत खा रहा है, हर कोई शोषण कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को तंग कर रहा है, ये पूरी चेन हमें दिखलाई पड़ रही है। लेकिन क्या हमें वैराग्य आया देख करके? नहीं, हम तो चतुर बन गए। हम इस चेन में ज्यादा से ज्यादा शोषण कैसे करें और कम से कम शोषण से बचे कैसे, हम उस दिशा में चले गए। हम कनिंग बन गए, कपटी हो गए, ज्यादा मायावी हो गए। लेकिन इस चेन को किसी ने देख करके वैराग्य हो गया, अरे ये सबका क्या, वो हटा, हट गया, इस चेन से हट गया। वो कहाँ चला गया? भीतर के चेन में चला गया, समण हो गया। समण होकर के बरसों बरस बीत गए, साधना में, तपस्या में मस्त होकर के उसके भीतर में स्वभाव की, विभावों की विशुद्धि हुई, और स्वभाव दशा में वो जीने लगा। सच्चे अर्थों में संयमी, तपस्वी और याज्ञिक हो गया, और उसने यज्ञ कर लिया है। भीतर का यज्ञ उसको प्रकट हुआ है, अवस्था आ गई है कि भीतर के सारे वासनाएं, चित्त के विकार, सब गंदगियां धुल गई। और किसी एक समय में उसके भीतर में कोई ऐसा अध्यवसाय उठा कि विजय घोष को भी मिले। विजय घोष उसका सगा भाई, जिसको बचपन से प्रेम करता, साथ खेलता, साथ रहता, आज वो उसकी नगरी में जाता है। विजय घोष ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण थे। ये विजय घोष क्या हुआ, अब वो बड़ी सी यज्ञशाला खोल करके बैठा है, बहुत सारे ब्राह्मण वहां इकट्ठे, वो यज्ञ कर रहा है। और जय घोष मुनि अपने मां से खमर तपस्या के पालने में वहां पे पहुंचते हैं, भिक्षा मांगते हैं। विजय घोष साफ मना कर देता है, अरे ये भिक्षा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। आज भी तो ऐसा हो रहा है, हम सब लोग दान करते हैं, लेकिन कहाँ दान करेंगे? सब सांप्रदायिक दान होता है, एक्चुअली दान नहीं है, सब अपनी अपनी मान्यताओं को दान करते हैं। विजय घोष क्या बोल रहा है, मैं ब्राह्मण हूं, भिक्षा देता हूँ, लेकिन किसको भिक्षा दूंगा? जो मेरी शर्तों में जीता है। उसकी शर्तें क्या है? जो खुद भी ब्राह्मण हो, जो वेदों का ज्ञाता हो, जो ज्योतिष शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो धर्म में पारगामी हो, जो एक दूसरे का उद्धार करने में समर्थ हो। बातें वो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन वो सब किसके लिए कर रहा है? खुद की मान्यता के लिए। ये मेरी ऐसी ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को कोई फॉलो करता है, मैं उसको भिक्षा दे सकता हूँ। क्या हम भी ऐसा नहीं कर रहे? क्या हम भी ऐसा नहीं कर रहे? जो ये अध्ययन बता रहा है कि विजय घोष ने कंडीशनल बात कही कि मैं अपनी कंडीशंस को दान कर सकता हूँ, हम सब भी तो यही कर रहे हैं। अपनी अपनी कंडीशंस, जहाँ हमारे मन में जो कंडीशन है उसको जो फुलफिल कर रहा है, हम सब उसको सहयोग करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो हमारी कंडीशन में नहीं चल रहा, एक भाई ने एक संस्था में एक पंखा दान कर दिया, पंखे की 3 पंखुड़ियों पे अपना नाम लिखवा लिया,
और उसके बाद में उसको पता लगा कि उस संस्था के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो कि उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे पूछा नहीं गया है। उसने जाकर के वहां पर इतना हल्ला मचाया और कहा मेरे ये पंखा सारा उतार के दे दो। बोले क्यों, आपने तो इसको दे दिया था ना, डोनेट किया था ना। अरे दया, डोनेट जब किया था तो मेरी कंडीशन थी, वो कंडीशन यहाँ नहीं हो रही तो मैं पंखा लेके जा रहा हूँ। इज दिस डोनेशन? एक एग्जाम्पल दे रही, उसे तो लाखों एग्जाम्पल सबको आप जिंदगी में सुनने देखने को मिल रहे होंगे, और कितने लोग तो ऐसे ही कर रहे होंगे। सबका कंडीशनल डोनेशन हो रहा है। तो वो कह रहा है मैं दान कर सकता हूँ, भिक्षा दे सकता हूँ, लेकिन उसी को दे सकता हूँ जो वेदों का क्या था। जय घोष, उनको भिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई अपने भिक्षा पे आश्रित होकर के नहीं बोल रहे हैं, ना ही वो कोई अपनी बात अपने आप को एक्सपोज करने के लिए बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना, वो किसी तरह के प्रभाव में आके नहीं बोल रहे, लेकिन वो स्पष्ट बोलते हैं कि तुम जिसको कह रहे हो कि तुम वेदों के ज्ञाता हो, मैं तो ये देख रहा हूँ तुम्हें वेदों का मुख भी नहीं पता। तुम्हें यही नहीं पता कि वेद है किसलिए, तुम्हें यही नहीं पता नक्षत्रों का मुख क्या है, तुम्हें यही नहीं पता धर्म किसको कहते हैं, तुम्हें यही नहीं पता ब्राह्मण किसको कहते हैं। एक ब्राह्मण को, जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण है, उसको ये चैलेंज करना और ये कहना कि ब्राह्मण कहते हैं किसको, तुम्हें पता है क्या? बाहर से देखो तो एक बात बड़ी अजीब सी लगेगी, अरे भाई तुम साधु बने हो, तुम्हें क्या लेना देना, भिक्षा लेते चले जाते। भाई हर आदमी ऐसे ही तो बोलेगा, तुम्हें क्या लेना देना, सत्य की बात क्यों बोल रहे हो, तुम आओ अपने काम से काम करो, निकल जाओ। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और ज्ञानी भी जब बोलेगा तो अज्ञानियों के बीच में क्या होगा, विस्फोट ही होगा ना। अगर कोई ज्ञानी ये सोचे नहीं नहीं इनके विस्फोट से बच जाए ऐसे बोले ना, गड़बड़ हो जाएगी। बुद्ध की करुणा है कि वो बोलते हैं, ये जयघोष की करुणा है कि वो बोलते हैं उस विजय घोष के सामने। वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का ज्ञाता है, वेदों का ज्ञाता है, उसको बोले तू तो वेद जानता ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं वेदों का मुख क्या है, तुझे पता ही नहीं धर्म का मुख क्या है, धर्म की शुरुआत कहाँ से तुझे पता है क्या? ये बात एकदम इस तरीके से कही गई कि विजय घोष के भीतर एक ज्वाला पैदा हो गई। लेकिन कितनी गजब की बात की, वो ज्वाला जिज्ञासा के रूप में प्रकट हुई, और विजय घोष ने हाथ जोड़ा तो बाकी सारे लोगों ने भी हाथ जोड़ा, और जय घोष को पूछा कि अगर आप ऐसा कहते हो कि मैं नहीं जानता, तो आप बताइए कि क्या है वेदों का मुख, क्या है नक्षत्रों का प्रधान, क्या है धर्म का प्रधान, कहाँ से शुरू हुआ, हमें नहीं पता, तो आप बताइए किसको ब्राह्मण कहता है, आप बताइए। अब वो बोलते हैं, यहाँ पर उनकी व्याख्या प्रारंभ होती है, और वो कहते हैं कि अग्निहोत्र वेद का मुख है, चंद्रमा नक्षत्रों में प्रधान है, धर्म की शुरुआत काश्यप से हुई। उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग तरीके से, यहाँ यांकी लोग तो जानते हैं अग्निहोत्र क्या है, लेकिन उनके लिए अग्निहोत्र है बाहर अग्नि जलाना, लेकिन जब जयघोष बोल रहे तो बाहर की अग्नि की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे भीतर में आग लगी होगी और भीतर की अग्नि में सब कुछ परिशुद्धता आई होगी, सब कुछ जलने योग्य, क्योंकि आग की एक विशेषता है। आग की क्या विशेषता है कि आग जलने योग्य को जला लेगी, बचना योग्य बच जाएगा। जैसे सोने को आग में डालेंगे तो क्या होगा, कचरा कचरा जल जाएगा, सोना नहीं जलेगा, सोना तप के निखर के कुंदन बन के बाहर आ जाएगा। ऐसे भीतर की आग जलेगी तो क्या होगा कि भीतर में जो जलने योग्य वो जल जाएगा और जो असली रूप है वो प्रकट हो जाएगा। तो का अग्निहोत्र मुहावेया धम्माणम कासव मुहम नक्षत्राण मुहम चंद्र, नक्षत्रों का मुख चंद्रमा है, चंद्रमा प्रधान है, उसी के इर्द गिर्द सारे नक्षत्र हैं। काश्यप यानी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, उनसे यहाँ पे सारी धर्म की धारा बही, शुरुआत वहां से हुई उस युग के अंदर। अब ये बातें सुन के उसके कान खड़े हो गए, तो पूछ रहे ब्राह्मण क्या है। अब वो कहते हैं ब्राह्मण किसको कहते हैं कि जो न सज्जे आगंतुम तो पवयन तो न सोये रमय अज वयमी तम वयम भू महान। कोई आ रहा है तो उसमें आसक्त नहीं है, कोई जा रहा है तो उसका शोक नहीं है। जो अपने आर्य वचनों में रमण कर रहा है, जिसको सम्यक दृष्टि प्रकट हुई, कुछ जया सया कुशल संदिग्ध तम वयम भू महान, जो विद्या और आचरण से सुसंपन्न है, जो इस जीवन के सारे ये प्राणियों के विज्ञान को जान करके हिंसा से मुक्त है, जो व्यर्थ के प्रलाप से मुक्त है, जो मन वचन काया से अदत ग्रहण कर ही नहीं रहा है, जो दिव्य संबंध देवता मनुष्य और तिर्यंश यानी पशु जगत दिव्य जगत और मनुष्य जगत के सारे ये काम भोगों से
अनासक्त है, जो अपने आप में किसी भी तरह के संघ की पकड़ बनाए बिना जी रहा है, वह ब्राह्मण है। वह ब्राह्मण है जिसने खुद को पहचाने, ब्रह्म को पहचाने तो ब्राह्मण। यहाँ क्रांतिकारी उद्घोष होते हैं, जयघोष बोलते हैं, न केवल ब्राह्मणों के लिए, वो समणों के लिए भी बोल रहे हैं कि कौन समण है, कौन मुनि है, कौन ब्राह्मण है, कौन तापस है। तो स्पष्ट बोलते हैं, न भी मुंडी है समणों, खाली सिर मुंडा लेने से कोई समण नहीं हो जाता। कोई सोचे बालों का लोच कर लिया साधु हो गया, वेश बदल लिया साधु हो गया, तो स्पष्ट मना है, नहीं, खाली बाहरी साधनों को अपना लेने से अगर कोई साधु हो तो सारे जानवरों के जिनके भी बाल वाले जानवर होंगे तो हर साल बाल उतरते ही ना, क्या वो साधु हो गए बालों के उतरने से? और अगर दिगंबर हो जाने से साधु होते हैं तो सारे पशु जगत तो दिगंबर ही है, पशु होने का कपड़े पहन रखे हो गए दिगंबर साधु। न भी मुंडी है समणो, मुंडन से कोई समण नहीं होता। न ओंकार इन बंबड़ो, खाली ओम यहाँ पे टीका लगा दो, ओम का ओम की चादर पहन लो, ओम ओम बोलते जाओ तो क्या ब्राह्मण हो जाओगे? स्पष्ट मना कर रहा है ये सूत्र, न भी मुंडी इन समणो, न ओंकार इन बंबड़ो, न मुनि रन्न वासेडम, कि कोई अरण्य में जाके रह जाए तो मुनि हो गया, भाई गरबार छोड़ के जंगलों में चला गया तो मुनि हो गया। जैसे आज लोग सोचते हैं कि गरबार छोड़ करके साधु संस्था में चले गए तो साधु हो गए, क्या वो साधु हो गए क्या उन्होंने गरबार छोड़ लिया? जरा देखो, ज्यादा गरबार तो नहीं बना लिया? अपनी संप्रदाय को फैलाने, अपने चेले चेलियों को फैलाने, अपना नाम फैलाने, अपना नाम की जगह जगह प्रतिष्ठाएं करवाने के लिए तो वो मूर्तियों की प्रतिष्ठा नहीं करवा रहे कहीं। और यहाँ तो बड़ी घोड़ है, एक आचार्य दूसरे आचार्य से पूछते तुमने कितनी प्रतिष्ठाएं करवाई? अरे खुद तो प्रतिष्ठित हुए ही नहीं अपने आप में, उनके प्राण अपने शरीर में प्रतिष्ठित नहीं हुए, वो किसी और की प्रतिष्ठा कैसे करवा सकते हैं? लेकिन बस ऐसे ही चल रहा है। तो सूत्र स्पष्ट कह रहा है, न मुनि रन्न वासेणम, जंगल में चले जाने से कोई मुनि नहीं हो जाता। कुछ चीरे न तावसो, और कुछ कर वस्त्र पहन ले, यानी घास के वस्त्र पहन करके कोई तापस हो जाए ऐसा नहीं है। तो कैसे होंगे मुनि, कैसे होंगे समन, कैसे होंगे ब्राह्मण, कैसे होंगे तापस, वो भी बताया, जो नहीं है वो भी बताया, और कैसे होंगे वो भी बताया, दोनों बातें बताई। ये उनकी करुणा, ये उनकी महानता है कि वे बीमार को उसकी बीमारी भी बता रहे हैं और उस बीमारी का निदान भी बता रहे हैं, उसका उपचार भी बता रहे हैं, ये बीमारी का उपचार संभव है। आज फिर आज के संदर्भों में यही सूत्र फिर से काम कर रहे हैं, फिर से हम सब यही तो हो रहे हैं। जय घोष जब विजय घोष को बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसे लग रहे हो कि तुम यज्ञ कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम वेद पढ़ रहे हो, ऐसा कर लग रहा है कि तुम स्वाध्याय कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम तपस्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी सारी क्रिया ऐसी है जैसे किसी राख के अंदर आग दबी हो। भाषत छन्ना इवक गिणो, गुड़ा सजाए तवसा भाषत छन्ना इवक गिणो, के ऊपर ऊपर से सब दिख रहा है लेकिन अंदर तो सब आग लग रही है। ये बात जय घोष देख पा रहे हैं, क्या आज हम नहीं देख पा रहे कि जितना भी ये साधु समाज है, जितना भी ये सो कॉल्ड धार्मिक लोग है, सो कॉल्ड प्रचारक लोग है, सो कॉल्ड जो पट्टे पर बैठे हुए लोग है, उन सबका ऊपर ऊपर से कुछ और भीतर में आग लग रही है, भीतर में व्याकुलता है, भीतर में बेचैनी है। भाषा छिन्ना एवं गिड़ो, जरा सी चिंगारी लगाओ कि अंदर की आग बाहर आ जाएगी, और जरा सा छेड़ के देखो, किसी आचार्य को छेड़ के तो देखो, किसी उपाध्याय को, किसी साधु को, जरा सा एक चिंगारी आग लग जाएगी। यही अध्ययन ये कह रहा है कि सब कुछ जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है क्रिया में, लेकिन भीतर में कोई क्रिया नहीं है। क्यों क्रिया नहीं है? क्योंकि भीतर में जाग ही नहीं आई। समयाय समणो हुई, समता है तो समण है। ब्रह्मचर्य बंबणो, ब्रह्मचर्य है तो ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य यानी अब वो ब्रह्म से चर्या करेगा, आत्मा की चर्या करेगा, विराट चर्या है, ब्रह्म विराट, संकुचित नहीं है। और हम यहाँ संकुचित चर्या को ब्रह्मचर्य समझ रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, संकुचित अर्थों में ब्रह्म गड़बड़ हो रहा है। तो कहा बम्ब चेरेण बम्बण, मौने नहीं है मुनि हुई। मुनि कौन है? जो मौन को उपलब्ध हुआ, मौने नहीं मुनि हुई। तवेरम हुई तापस, तब घटित हुआ तो तापस है, वो तब भीतरी अर्थों के तप की बात कही जा रही, भीतर के अर्थों में मौन घटित हो गया, मन वचन काया तीनों से मौन हो गया, कंप्लीट मौन हुआ, वो मुनि। साधु बनते ही बकबक चालू हो जाते,
मौन में तो गए ही नहीं, अब प्रवचन देने शुरू हुए। खुद को तो जाना ही नहीं, खुद के खुद का मार्ग पता नहीं, और हम दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। हम सब ऐसा कर रहे हैं, तो कहाँ गड़बड़ दिशा में जा रहे हैं उसका पता लगे, वहां से रीरूट हो जाए। जब सुना तभी अगर भीतर में कोई चिंगारी लग गई तभी बदला जा सकता है। विजय घोष के भीतर चिंगारी लग गई, उसे जय घोष की हर बात समझ में आई। अब वो प्रणाम करके बोलता है, आप प्लीज भिक्षाचरी कीजिए, गोचरी लीजिए, आहार लीजिए। तो वो क्या बोलता है जय घोष में, वो बोलते हैं, न कज्जब मज्ज भिक्षेणम, मैं यहाँ भिक्षा के लिए नहीं आया, दिखा तो यही था भिक्षा लेने के लिए आया, ऐसा लगा तो था गांव में हमारे साधु हमारे लिए आए। अरे वो किसके लिए आए, न कज्जब मज्ज भिक्षेणम, भिक्षा के लिए नहीं आए। खिप्पम निक्खम असु दिया, माँ भमी इसी संसारे घुर, माँ भमी इसी भया बट्टे घुरे संसार सारे। अरे मैं भिक्षा के लिए नहीं आया, मैं तुझे लेने के लिए आया, तू अब इस चक्कर में मत डूब, बहुत हो गया, बहुत भयानक ही आवर्त है, इस आवर्त से इस चक्र में से तू बाहर निकला। वो कहता है, सोच में पड़ जाता है, ये क्या कह रहा है। अभी उसको नहीं पहचाना कि वो मेरा भाई है, क्योंकि इतने वर्षों बाद जय घोष आए हैं, विजय घोष भी भूल गए, जय घोष मेरे भाई है, उसको नहीं पता है। लेकिन जय घोष आए, उनको पता है कि विजय घोष कौन है, ज्ञानी को पता है कि वो किस लिए यहाँ आया है, अज्ञानी को क्या पता कि ज्ञानी हमारे यहाँ क्यों आए। तो स्पष्ट करते, मैं किसी कार्य किसी भी प्रयोजन से नहीं आया, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। वही ज्ञानी है, वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही मुक्त पुरुष है, जिसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी नहीं, लेकिन वो तुम्हें मांगता है, तुम आ जाओ। फिर क्या बोलते हैं, देखो इस संसार में दो तरह के लोग हैं, वो बोले वो होई भोगेसु, कि जो भोगों में लिप्त है वो तो इसी संसार में चिपक जाएंगे, इसे हट नहीं सकेंगे, और जो भोगों में निर्लिप्त है वो इस संसार से हट जाएंगे। और उसका एग्जाम्पल दिया, उल्लो सुखो ये दो छुड़ा, गोले या मट्टी या मला, मिट्टी के दो गोले बनाओ, एक के अंदर चिकना पदार्थ डालो, और एक मिट्टी का गोला उसमें कोई चिकनाई नहीं डाली, सूखा है, एक गीला है एक सूखा है। अब गीले को दीवार पे डालो तो चिपक जाएगा, सूखे को डालो तो नीचे खिल जाएगा। मिट्टी अगर दीवार पे डालो, सूखी मिट्टी है तो दीवार तुरंत खिल जाएगी, गीली मिट्टी तो चिपक जाएगी। ऐसे जिसके भीतर गीलापन है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो जहां जाएगा स्थिति में चिपक जाएगा, और जो डिटैच है वो भी दीवार से जाएगा लेकिन दीवार पे चिपकेगा नहीं, निकल जाएगा। बस ऐसे ही संसार के अंदर है, भोगी भ्रम ही संसार है, अभोगी विपमुच्छे, जो भोगी और संसार में भ्रमक भटकता रहेगा, और जो इससे निर्लिप्त हो गया है वो तो संसार से मुक्त हो जाएगा। जय घोष की ये बात जय घोष के रूप में उस विजय घोष के भीतर गई, और उसके भीतर भी विजय का घोष प्रकट हुआ। उसने भी अपने आप को अपनी सारी पुरानी धारणाओं से तुरंत ही हटा लिया। ये बड़ी बात हुई कि डॉक्टर आया, आँख का ऑपरेशन किया, आँख का ऑपरेशन होने के बाद में उसने आँख खोल ली, अभी आदत से आंख को बंद करके नहीं रखा, पकड़ के नहीं रखा, अभी नहीं बोला मैं नहीं देखूंगा, नहीं, अब दिखलाई पड़ने लगा तो क्यों नहीं देखेगा। उसने अपनी आंख खोली, दृष्टि खुल गई, और जैसी दृष्टि खुली वैसी सृष्टि बदली, दृष्टि बदली सृष्टि बदल गई, और दोनों ही भाई संयम के पथ पर बढ़ते हुए मुक्त हो जाते हैं। ये 25वां अध्याय है। 25वें अध्याय के बाद 26वां अध्याय, जिसका नाम है सामायारी। सामायारी का मतलब होता है सामाचारी। सामान्यतः सामाचारी का अर्थ ऐसे समझा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण के सिद्धांत, आचरण के विधान, वो क्या है। सामाचारी शब्द जैन दर्शन में पारंपरिक रूप से साधु की चर्या के संबंध में आता है, लेकिन क्या ये इतना ही है? नहीं, इतना ही नहीं। बाइबल में एक शब्द आता है सुसमाचार, कहते हैं ईसा मसीह ने सुसमाचार दिए, उनके भीतर प्रकाश प्रकट हुआ तो उन्होंने जगह जगह जाकर के समाचार दिए, संदेश दिए। उस प्रकाश की मैं किसी तरह से अंधेरे में रहे हुए लोगों को भी वो प्रकाश दिखलाई पड़ जाए, इसीलिए वो जगह जगह जाकर के सुसमाचार देते रहे। कि समाचार ही क्या है, कि जिनके भीतर प्रकाश प्रकट हुआ उनका चलना कैसे था, उनकी चर्या कैसी थी, उनसे क्या प्रकाश की किरणें फूटी, उसका नाम है समाचार, समाचार। अब यह है भीतर के रूपांतरण से बाहर आया हुआ रूपांतरण।
लेकिन जब इस अध्ययन को पढ़ते हैं और इसको जिस तरीके से पारंपरिक रूप से लोग समझते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि बाहर के आचरण को बदल दो तो भीतर बदल जाएगा। ऐसे ही है ना, अज्ञानी लोगों को केवल बाहर की चीजें दिखाई पड़ती है। अरे राम को वनवास हुआ, ये दिखलाई पड़ेगा। 2 दिन पहले स्वामी जी से मैं कुछ बात कर रही थी, मैंने कहा राम को वनवास हुआ क्या तब भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा? स्वामी जी बोले राम को कौन वनवास कर सकता है, राम को वनवास कैसे दिया जा सकता है? जो राम ही हो गया उनके लिए वनवास कैसे संभव है, उनको कोई वनवास में डाल कैसे सकता है? क्योंकि वो तो भीतर राम है, राम ही भीतर रमण कर रहा है, उसके लिए क्या कहा वनवास हो सकता है? डालने वाले को लगेगा कि अरे वनवास में डाला, कहानियां लिखी जाएगी वो 14 वर्ष वनवास में रहे, लेकिन वो कहाँ रहे? उस राम को तो वनवास दिया ही नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति है कि भीतर बदल गया तो बाहर से हमें, लेकिन दुनिया तो बाहर से देखेगी और बाहर से पकड़ेगी, तो बाहर से कुछ सूत्र बना दिए गए। वो बताते हैं कि 10 तरह की सामाचारी, लेकिन 10 सामाचारी क्या है इसको हम ऐसे समझे कि कोई एक जो भीतर की अवस्था को उपलब्ध हो गया है उसका आचरण, और उसके आचरण को जिसने पकड़ लिया है वो ये कह रहा है कि अगर इस 10 पॉइंट को पकड़ा जाए तो हम शायद उस अवस्था तक पहुंच जाए। यहाँ लकीर दिख रही है या पानी का एक रेला दिख रहा है, अगर इस पानी के रेले को पकड़ पकड़ के ऊपर तक जाए तो शायद जहां से पानी आया वहां तक जा सकते हैं। तो ये सामाचारी वैसी तरह से है। 10 प्रकार की सामाचारी में क्या बताया है कि जो भिक्षु है, जो साधु है, जो आत्मपथ का साधक है, वह आवश्य ही निस्सी ही आपुच्छणा परिपुच्छणा ये सब इच्छाकार मिच्छाकार तहकार अंगूठा उप संपदा इन 10 सामाचारी को जीता है। क्या है आवश्य, क्या है निस्सी ही, इसको हम समझे। बहुत प्यारी बात है कि कोई भी कार्य करना हो, कोई भी वृत्ति शुरू करनी है, कोई प्रवृत्ति में जाना है, उसके पहले 3 बार बोला जाएगा अवश्य ही अवश्य ही अवश्य, यानी अपने आप के साथ साक्षी होकर के खुद से पूछा जाएगा क्या ये आवश्यक है, अवश्य की अवश्य की अवश्य की, आवश्यक है तो आगे बढ़ना, आवश्यक नहीं तो नहीं बढ़ना। गमने अवश्यम कुज्जा, गमन है, कोई भी गमन है यानी कहीं भी जाना है, जाना केवल शरीर का ही नहीं है, जाना हर एक चीज का है, कहीं भी जाना है तो पूछना अवश्य ही आवश्यक है। जैसे खाना भी खाना है तो पूछना क्यों खाना है। ये अध्याय बोलता है कि साधु को अगर भिक्षा भी करनी है, भोजन भी लेना है, तो वो अपने आप से पूछे क्यों करना है, अकारण ना करे, 6 कारण उपस्थित हो तो करेगा। शरीर में भूख की वेदना हुई है, उसको व्यावृत्य करना है, उसको गमनागमन करना है, उसके शरीर में कोई रोग पैदा हुआ है, क्या कारण है तो वो भोजन करेगा, और क्या कारण है वो भोजन छोड़ देगा। परीक्षा उपसर्ग आ गए हैं, बीमारी आ गई है, कोई ऐसी स्थिति आ गई तो भोजन छोड़ने का भी कारण स्पष्ट बताया जा रहे हैं, भोजन ग्रहण करने के भी कारण बताए जा रहे हैं। यानी भोजन मात्र भी प्रत्येक क्रिया करने से पूर्व अवश्य की आवश्यक है या नहीं खुद से पूछा जाए। फिर वो क्रिया की निवृत्ति हो गई है या कोई क्रिया से हटना है तो नैषिधि की निषेध करना, नहीं, जितना हाँ आवश्यक है उतना ही नहीं की भी उपयोगिता है। अगर हमें नहीं करना, नहीं करने वाले स्थानों पर नहीं करना नहीं आया तो भी हम गड़बड़ हो जाएंगे। कई लोग झूठ बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति जिसको पता है कि बात तथ्य नहीं है लेकिन वो भी वहां चुपचाप बैठा है, चुप बैठा है तो वो अतथ्य का समर्थन कर रहा है, जो झूठ है उसका समर्थन कर रहा है। अगर वो तथ्य नहीं है तो चुप मत बैठना, वहां बोलने योग्य है तो बोलना। तो निषिद्ध्या निषिद्ध की नहीं क्या है उसको भी समर्थन, उसको भी समझना कि जहां नहीं करना है वहां नहीं करना। किसी ने कह दिया गमन करना इसलिए गमन नहीं करना है, आवश्यक है तो गमन करना है और आवश्यक नहीं है तो निषिद्ध की निषेध कर देना, मना कर देना। अवश्य ही निस्सी ठाणे निस्सी यानी कुज्जा, बैठना है तो निस्सी, जैसे आप कोई क्रिया करके आगे रहो अपने स्थान पे आ गए हो तो उस पुरानी जो क्रिया आप करके आए हो उससे अपने आपको निस्सी ही कर लो, अलग कर लो, उससे अपने आपको डिटेच कर लो। एक स्थान से हट गए दूसरे स्थान पे गए हो तो दूसरे स्थान पे पहले पूर्व के स्थान की स्मृति के साथ रहोगे, पूर्व स्थान की तुलना के साथ रहोगे तो यहाँ तो रह नहीं पाओगे। पुराना घर छोड़ दिया, नए घर में आ गए और दिन रात पुराने घर की बातें कर रहे हो तो नए घर में आए कब, पुराने घर में ही अभी तक तो कहा निस्सी ही छोड़ देना उसको। गमणे अवश्य कुज्जा ठाणे कुज्जा निस्सी ही, अपुच्छना संयम कर ले। साधक को बोला तुम्हें कुछ कार्य करना है तो पहले अपने मार्गदर्शक से प्रश्न करना, पूछ लेना क्या मैं ऐसा करूं,
क्योंकि अगर जो गाइड करने वाला, जो आंख वाला, जो स्थिर, जो गुरु आपके साथ है, आप उससे पूछे भी नहीं करोगे तो आपको दृष्टि मिलेगी कहां से? तो कस्तवी से पूछना, आप पूछना। और कई बार ऐसा होगा कि एक बार पूछने से भी, जब पूछा तब स्थिति अलग थी और जब कार्य करने गए तब तक स्थिति बदल चुकी है, तब तक समय बदल चुका है, क्षेत्र बदल चुका है। तो आप सोचे पहले पूछ लिया ना, अभी वो कर लू तो गड़बड़ हो जाएगा। तो का बार बार पूछना, प्रति प्रश्न करना। हो सकता है दोबारा पूछना पड़े, तिबारा पूछना पड़े तो भी पूछता, लेकिन पूछना, क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी के लिए कितनी गजब बात कही कि आप पूछना और प्रति पूछना, एक बार भी पूछना और बार बार भी पूछना। और फिर क्या कहा, छंदना दव जैन, अपने भीतर की छंद को पहचानना, भीतर की रिदम को देखना, रिदमिक होकर के कार्य करना। और अगर रिदम कहीं टूट रही है तो मिथ्याकार, यानी वहां से मिथ्याकार कर लेना, जहां से रिदम टूट रही है वहां से लौट आना, मिच्छामि दुक्कड़म कर लेना, उस कार्य के प्रति, उस अवस्था से अपने आप को हटा लेना, दैट्स कॉल्ड मिच्छाकार। और उपसंपदा, पहले अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का मतलब है अटेंटिव रहना, गुरु की सेवा के लिए, स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए, प्रत्येक क्षण में अटेंटिव रहना, अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम कहलाया है। ऐसा नहीं हो गुरु बोल रहे हम सुने ही नहीं, हम विचारों में खोए पड़े हैं, तो अभ्युत्थानम नहीं हुआ। अस्तित्व कुछ बोल रहा है हमने सुना ही नहीं, प्रकृति हमें कुछ कह रही हमने सुना ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम कहीं और ध्यान में थे, तो अभ्युत्थानम नहीं हुआ। अभ्युत्थानम का मतलब अटेंटिव रहना, अटेंटिविटी इज अभ्युत्थानम। और फिर उपसंपदा, उपसंपदा का जो पारंपरिक अर्थ है वो यह है कि अगर ये लगता है कि इस गुरुकुल में रह करके आत्मकल्याण नहीं हो रहा है, अथवा इस गुरुकुल में रह करके कोई पर्टिकुलर साधना ही नहीं हो पा रही है, पर्टिकुलर तपस्या ही नहीं हो पा रही, पर्टिकुलर मार्ग नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आचार्य की आज्ञा लेकर के किसी अन्य गढ़ में चले जाना, जहां आपको अपनी साधना का मार्ग मिल सकता है। यानी ये इतनी गजब जिन शासन के अंदर व्यवस्था दी गई है कि ऐसा नहीं है कि तुम किसी एक ही जगह पे स्टक अप हो जाना। अगर तुम यहाँ पे जिस उद्देश्य से लाया है वो उद्देश्य यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप गण भी बदलना पड़े तो बदलना, उप संपदा करनी पड़े, जहां आप अपनी संपदा के नजदीक जा सको, जहां आप अपने लक्ष्य को पा सको, उस मार्ग के लिए आपको अगर शैली भी बदलनी पड़े तो शैली बदल लें। यानी बंधन नहीं, बंधन मुक्ति के मार्ग पे हम लोग फिर नए नए बंधनों में जा रहे हैं, ऐसे बंधन का व्याख्या जैन शास्त्र में नहीं। यह स्पष्ट कर गया, तुमने दीक्षा ली, तुम किसी एक गण में हो, किसी एक कुल में हो, किसी एक संप्रदाय में हो, किसी एक आचार्य के सानिध्य में हो, लेकिन मान लगता है कि यहाँ पे तो नहीं आत्मकल्याण हो रहा, यहाँ मेरे क्लैरिटी नहीं प्रकट हो रही, यहाँ मैं अपने आप को नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी अन्य के पास जाना पड़े तो भी जाया जा सकता है, उस आचार्य को निवेदन करके, और आचार्य आज्ञा देगा अगर वो समझदार है तो, दृष्टि वाला है तो, अगर उदार है तो, अगर विवेकशील है तो, और अगर एक कोई साधक ऐसा करता है तो उपसंपदा भी सामाचारी बताई गई है, उसका निषेध नहीं बताया। ये 10 तरह के सामाचारी के बाद इस अध्याय में बताया गया है कि एक साधु को किस तरह से सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक अपनी चर्या करनी चाहिए। पढ़मम पौरिसिम सज्जायम वियम जाड़म जियायम, पहले उठते ही वो स्वाध्याय में जाएगा, पहले प्रहर, दूसरे प्रहर में वो ध्यान करेगा, तीसरे प्रहर में भिक्षाचर्य, चौथे प्रहर में नींद, चौथे प्रहर में प्रतिक्रमण करेगा, सामायिक करेगा और कायोत्सर्ग में जाएगा। और कायोत्सर्ग के बाद में वापस रात्रि का पहला प्रहर आ गया, स्वाध्याय, फिर ध्यान, तीसरे प्रहर में निद्रा से मुक्त होगा और चौथे प्रहर में वापस स्वाध्याय में बैठ जाएगा। फिर अगर वो अपने स्वाध्याय कर रहा है या सूत्र की वाचना कुछ भी कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो जो लोग सोए हैं उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करें, वो हैं तो असंजय, किसी की नींद को डिस्टर्ब किए बिना वो अपना कार्य करें। सोने दो सोने वालों, पीने दो पीने वालों, खुद को जगा के चले, और या खुद को तो जगाते नहीं, सोने वाले को डिस्टर्ब करते, हम गड़बड़ दिशा में चले जाते। तो ये सूत्र बहुत प्यारी प्यारी बातें कह रहा है। यह हुआ 26वां अध्याय समाचार। जो समाचारी को सम्यकतया आचरण करता है, समाचारी का मतलब ही है सम्यक आचरण, साम का अर्थ सम्यक भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है, उत्कृष्ट आचरण, जो इस तरह से सम्यक और उत्कृष्ट आचरण करते हुए जीता है वह इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इसके बाद 27वां अध्याय, इसका नाम है खलुम किज्जम। खलुम किज्जम का मतलब होता है दुष्ट बैल। बहुत ही अद्भुत अध्याय है ये 27वां अध्याय। इस अध्याय के अंदर बताया गया है कि गर्गाचार्य मुनि हुए, आचार्य है,
विशारद है, यानी इंटेलिजेंट है, पंडित है, समझदार है, और उनके भीतर कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि वो गणी बन गए, गणधर बन गए। गणधर बन गए का मतलब है ग्रुप के लीडर है। गण कहते ग्रुप को, धर कहते धारण करने वाले को। तो जो ग्रुप का लीडर है उसको तो गणी अथवा गणधर कहा जाता रहा है। तो थेरे गणहरे गणके मुनि आसी विसारे, वो स्थविर है, मुनि है, गणी है, गणधर है और गर्गाचार्य नाम है, क्योंकि वो गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए। गर्ग आज भी गोत्र है, अग्रवालों के अंदर गर्ग गोत्र है, तो वो गर्ग गोत्र में पैदा हुए। देखो जिन शासन के अंदर सब तरह के लोग आए, ब्राह्मण भी आए, क्षत्रिय भी आए, वैश्य भी आए, शूद्र भी आए, यहाँ कोई जातिवाद नहीं। अब गर्गाचार्य मुनि के पास में शिष्यों का समुदाय है। बड़ी गजब की बात है, वो सारे शिष्य कैसे निकले उनके? शिष्य ऐसे हैं जैसे दुष्ट बैल। दुष्ट बैल क्या होता है? अभी आज समझो अपनी कार है, पहले जमाने में कार नहीं था ना, पहले जमाने में लोग बैल बैलगाड़ी में जाते थे। अब वो बैल की गाड़ी, बैल में गाड़ी जोत करके जा रहे हैं, अगर बैल दुष्ट है तो क्या करना पड़ेगा? उस बैल को चलाने वाले को चाबुक से बैलों को मारना पड़ेगा, उनको उत्पत से जाते हुए रोकना पड़ेगा। फिर भी कोई कोई बैल ऐसे होंगे जो रास्ते में पसर जाएंगे, नहीं चलना हमको, चाबुक खा के भी नहीं चलेंगे। वो दुष्ट बैल किस तरह से गाड़ी वाहन को तंग करते हैं, दुखी करते हैं, क्लेशित करते हैं। वहड़े वह मानस कंतारो अई बत्तई, जो है वह मानस संसारो अई बत्तई। कि जैसे अगर वो दुष्ट बैलों की वजह से वो गाड़ी वाहन का पूरी यात्रा बहुत कठिन हो जाती है, क्या ऐसे ही दुष्ट लोगों के साथ होने पर, चाहे हमारे परिवार के, हमारे ग्रुप के, हमारी फैमिली में जहाँ है वहां पर की टीम के, अगर दुष्ट लोग आ गए तो हमारी यात्रा कैसे होगी? उन लोगों के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये लोग कैसे उसका एग्जाम्पल सज्जन के अंदर दे रहे हैं कि उसके शिष्य ऐसे गर्गाचार्य थे कि गर्गाचार्य जब शिष्यों को कहता है कि अमुक कार्य कर लो, तो शिष्य कहते हैं आप ही कर लो, हमें क्यों बोल। वो कहता है अच्छा अमुक के घर से कुछ भिक्षा ले आओ, तो बोलते वो मुझे जानती नहीं है, भिक्षा मुझे कैसे देगी। और हो सकता है वो घर से बाहर गई हो, योगी वहां मौजूद ही ना हो। और वो इतने तर्क लाते हैं लेकिन कोई भी एक बात भी सही से सुनते नहीं और आपस में लड़ते रहते हैं। और जैसे बैल के साथ क्या होता है, गाय को देखा तो बैल कई बार अपना मार्ग छोड़ के गायों के पीछे भाग जाता है। ऐसे ये दुष्ट बैल है, जरा कहीं भी अपनी विषय वासना का साधन दिखाई दिया वो वहां चले जाएंगे, गुरु को छोड़ करके वहां भाग जाएंगे, गुरु को पूछे बिना कहीं के चले जाते हैं। अरे गुरु हैरान है, इनको खिला पिला के शिक्षा दीक्षा दे करके बड़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी ही मन मर्जी से चल रहे हैं, ये तो मनमानी किए जा रहे हैं। और गर्गाचार्य दुखी हो रहे, क्लेशित हो रहे, क्योंकि बार बार इनको समझाने की कोशिश करते हैं बार बार भटक जाते हैं, और उनकी वजह से चारों ओर अशांति हो रही है। तो गर्गाचार्य को एक दिन ख्याल आता है कि ये मेरी आत्म साधना में साधक होने की बजाय बाधक है, ये ना तो स्वयं साधना करते हैं ना किसी को साधना करने देते हैं, तो इससे तो अच्छा यही हो कि मैं इनको छोड़ करके अकेला चला जाऊं। और शिष्य गुरु को छोड़ के गया, ऐसी स्टोरी तो बहुत बार आती है, लेकिन यहाँ गुरु शिष्य को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उनको लग जाता है कि इन शिष्यों के साथ मैं अपनी आत्म साधना नहीं कर पाऊंगा। तो गर्गाचार्य मुनि अपने इस गण को छोड़ करके एकाकी विचरण करते हैं और आत्म साधना करते हुए मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वे जो शिष्य दुष्ट बैल की तरह है, जो सतत अपनी बहानेबाजी में लगे रहते हैं, अपनी ही स्वच्छंद वृत्तियों में लगे रहते हैं, किसी तरह से अनुशासन में नहीं रहते हैं, किसी तरह से विनय विवेक से संपन्न होने नहीं होते हैं, ऐसे लोगों पर लगातार प्रयोग करने के बावजूद जब लगा कि यह पॉसिबल नहीं है, तो वह गणधर गर्गाचार्य उनको छोड़ के एकाकी विचरण करते हैं और अपनी आत्म साधना करते हुए मुक्त हो जाते हैं। अद्भुत है ये कथानक भी, ऐसे अनेक अनेक दृष्टांतों से भरा है ये उत्तराजल सूत्र। लेकिन उत्तर का केवल अध्ययन ही नहीं करना, अध्ययन की दिशा में नहीं भटकना, ध्यान की दिशा में जाना। कोई एक सूत्र भी जो हमें हमारी अवस्था में हमारे लिए चाबी की तरह काम कर जाए, हमारे ताले खोलने में काम आ जाए, बस उस सूत्र को पकड़ना, क्योंकि सूत्र का प्रयोजन यही है कि वो किसी तरह से चाबी की तरह हमारे भीतर के ताले खोल दे। कोई एक सूत्र पकड़ लेना जिससे हमारे ताले खुल जाए, हम जहाँ अटके पड़े वहां से निकल जाए, बस हमारे भीतर का उत्तर प्रकाशित हो, हमारे भीतर की शंकाएं समाप्त हो, हमारे भीतर ध्यान घटित हो। इसी के लिए सारा उत्तर का ध्यान है, उत्तर का ध्यान उत्तरा ध्यान है। इस उत्तरा ध्यान से हमारे भीतर उत्तर प्रकट हो जाए, उत्तर ही मुक्ति का द्वार है, बस वही मुक्ति है। उत्तर हो गया तो समाधानित हो जाए, और समाधानित हो गया उसको फिर आवागमन से मुक्ति हो जाए, सबकी आवागमन से मुक्ति हो, यही प्रार्थना, यही शुभेच्छा, सबका कल्याण।
आप फूलो फलो वो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो वो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सुन के, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, जय हो जय हो सबका कल्याण। वेबुश्री जी, वंस अगेन वेरी वेरी प्रोफाउंड, थैंक यू। थैंक यू। आपको आपके साथ बात करूंगा, वो